हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, हम लोग को रिक्वेस्ट आई गई थी कि मैम हायर परचेज़ की बहुत सम कम करवाए हमने, तो इसकी वजह से हायर परचेज़ की कुछ सम करवा दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे हायर परचेज़ का एक सम लेके आ रही हूँ। दोस्तों, हायर परचेज़ में बहुत अलग अलग टेक्निक्स है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहता है हम लोग को कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है तो उसकी टेक्निक अलग है, इंटरेस्ट नहीं दिया है तो उसकी टेक्निक अलग है, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट नहीं दिए है तो वो फाइंड करने का तरीका अलग है। तो सब मेथड्स उसके अलग अलग रहते हैं। हमने ऑलरेडी दो सम्स किए थे जिसके अंदर मैंने कैश प्राइस वगैरह कैसे निकालते वो फाइंड करना सिखाया था। आज जो हम लोग सम कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग का इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया है तो हम उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। सम मैंने लिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 9। 9 में हम लोग को बोला है, राजेश ब्रदर्स स्कूटर फ्रॉम गुजरात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑन द हायर परचेज स्कीम ऑन 1 अप्रैल 2007। ही पेड 600 एट द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उसने 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पैसे पे किए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 780 का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 720 का, और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो 660 का है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोले डेप्रिसिएशन जो है वो 10% और रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड के रूप में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेशन से हमारा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों को अलग करना है। यहाँ पे हम लोग सपोज करेंगे एक्स और वाई, यानी जो हमारी इंस्टॉलमेंट के अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट विथ कैश प्राइस जो है वो हम लोग कर लेंगे एक्स, ठीक है, और इंटरेस्ट के अमाउंट जो है वो हम लोग कर लेंगे वाई, यानी एक्स और वाई हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग के 3 इंस्टॉलमेंट है तो हम लोग यहाँ पे कैसे रखेंगे, एक्स प्लस 3 वाई, ठीक है। सबसे पहला जो बड़े नंबर यानी जो क्लोज वाला ईयर रहता है उससे करना है। एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 780। एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 720। और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हम लोग को कितना दे दिया, 660, ठीक है। ये हम लोग का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। वापस मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जितना हमारा इंस्टॉलमेंट रहता है उतना यहाँ पे नंबर्स डालना है और एक 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 नीचे घटाते जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशंस बना के रख दिए। उसके बाद हम लोग को सब्स्टिट्यूटिंग मेथड यूज़ करना है। सब्स्टिट्यूटिंग आपने 10th में सीखा है। इनमें से कोई भी दो नंबर को हम लोग ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इन दोनों को ले लिया, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन नाम दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1/2, हमको क्या मिलेगा, वी गेट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 720 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 660। साइन चेंज कर देंगे, माइनस 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 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे वाई आएगा और हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। 720 में से 660 माइनस कर दिया तो बचा हमारा 60, ठीक है। तो वाई तो हम लोग को मिल गया और हम लोग को वाई की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि वाई से हम लोग को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम तीनों साल के हम एक्स नहीं निकालने जाएंगे, हम डायरेक्टली तीनों साल के क्या निकाल देंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का हमारा कितना होगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फर्स्ट ईयर क्या लिखा था मैंने, यहाँ पे 3 वाई लिखा था, है ना। तो 3 × 60 कितना हो जाएगा हमारा, 180। फिर इंटरेस्ट हमारा सेकेंड ईयर का कर लेंगे, सेकेंड ईयर का हमारा कितना था, 2 वाई, तो 2 × 60 कितना हो जाएगा हमारा, 120। फिर उसके बाद थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, थर्ड ईयर इज इक्वल टू वाई, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 60। यानी इंटरेस्ट मिल गया हम लोग को 60, 120 और 180, ठीक है। अब इसको हम लोग को कैलकुलेशन पार्ट, तो दोस्तों हम लोग का यहाँ पे ये टेबल है, टेबल में मैंने हमारा जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया था हमारे टेक्स्ट बुक में वो, और जो इंटरेस्ट हमने फाइंड किया वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। कैसे डाला है मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। 1 अप्रैल 2007 से हमारा डेट शुरुआत हो रहा है। इंस्टॉलमेंट का प्राइस साइनिंग के टाइम पे उन्होंने क्या बोला था, 600 डालना है तो 600 डाल दिया। फिर 31 मार्च 2008 को हमारा इंस्टॉलमेंट दिया है 780 और इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करके निकाला 180। 31 मार्च 2009 इंस्टॉलमेंट था 720, इंटरेस्ट हमारा है 120 और 31 मार्च 2010 660 इंस्टॉलमेंट और 60 हमारा क्या था, इंटरेस्ट था, ठीक है। अब हम लोग नीचे से शुरुआत करेंगे क्योंकि हम लोग को कैश प्राइस नहीं दिया है। नॉर्मली हम क्रेडिटेड क्रेडिट टूवर्ड्स जो निकालते हैं वो माइनस करके निकालते हैं, तो 660 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600। और जो एंड वाला बैलेंस रहता है, क्लोजिंग बैलेंस, वो कुछ भी नहीं आता, यानी यही अमाउंट हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी। फिर इसको ऊपर रख देंगे, 600 हमारा ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, 720 में से 120 चला गया तो कितना हो गया, 600, ठीक है।
अब अगर सीधा सीधा चलते हो तो आप क्या करते हो, ये दोनों में से माइनस करने के बाद इसको और इसको माइनस करते हो, यानी ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट टूवर्ड्स को माइनस करते हो तो क्लोजिंग बैलेंस मिलता है। अब जैसे हम लोग उल्टा चल रहे तो हम इसको माइनस की जगह पे क्या कर देंगे, प्लस। 600 और 600 कितना हो जाएगा हमारा, 1200। 1200 हमने ऊपर रखा, वापस यहाँ पर डिफरेंस निकाला तो 600, 1200 और 600 हमारा कितना हो जाएगा, 12 और 6 हम लोग कर लेंगे तो हमारा आएगा 1800। 1800 ऊपर डाल दिया, यहाँ पे हमारा कितना बचा, 6, क्योंकि हम लोग का इंटरेस्ट नहीं था। अब 1800 और 600 जोड़ देंगे तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 2400। दोस्तों मैं वापस बता रही हूँ, अगर हम सीधा सीधा चलते तो हम इसको माइनस करते, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हम लोग को कैश प्राइस फाइंड करना, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसकी वजह से माइनस की जगह पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और इससे हम लोग को कैश प्राइस मिल गई, कैश प्राइस हम लोग की कितनी थी, 2400। ठीक है, ये हम लोग का सबसे पहला कैलकुलेशन पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग को इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन कब से निकालेंगे, 31 मार्च 8। ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना था, 2400। डेप्रिसिएशन का रेट था 10%, यानी 240 हो जाएगा। 2400 का 10% माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 2160। अब हम लोग का डेप्रिसिएशन जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड से है, तो हर साल डेप्रिसिएशन का रेट अमाउंट जो है वो चेंज होगा। 2160 का वापस 10% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 216, बचा हमारा 1944। फिर 31 मार्च 10 को 1944 और उसका 10% कर देंगे तो आएगा 194, माइनस करके बैलेंस आएगा हमारा 1750। ठीक है, ये हम लोगों ने सबका निकाल दिया। अब उसके बाद हम लोग को लेजर करना है। दोस्तों लेजर में हमारे टेक्स्ट बुक में अपने में दो तरीके दिए हुए हैं, आप दोनों में से जो चीज़ आती है आप कर सकते हो। मैं फर्स्ट मेथड से हमारे लेजर्स बनाती हूँ, तो मैं फर्स्ट मेथड से ही यहाँ पे बना रही हूँ। हम लोग को यहाँ पे बोला है कि लेजर्स बनाना इन द बुक ऑफ राजेश लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा अकाउंट बना देंगे, स्कूटर अकाउंट। जो जिसको लेजर्स नहीं आता उसको मैं एक बेसिक से लेवल से सिखा रही हूँ। अगर हम लोग स्कूटर यानी कोई भी मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो हम ये जो क्रेडिट टूवर्ड्स है ना, सिर्फ उतना ही देखते हैं, और दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, डेप्रिसिएशन। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला क्रेडिट टूवर्ड्स कितना है, 600। कौन से डेट को आया, 147 को, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 147 क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना बैलेंस था हमारा, 600, तो ये डाल दिया। दूसरा बैलेंस हमारा कितना है, 31 मार्च 8 का कितना आ रहा है, 600 आ रहा है, तो वो किसके नाम पे जाएगा, किसके पास से हम लोग खरीद रहे, गुजरात के पास से खरीद रहे हैं ना, गुजरात मैन्युफैक्चरिंग से, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 31 मार्च 8 टू गुजरात मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, कितना है हमारा, 600, तो 600 डाल दिया। फिर उसके बाद दूसरे साइड हम लोग को 31 मार्च 8 का डेप्रिसिएशन हमने निकाला कितना आया था, 240 है ना, तो ये डाल देंगे। बाय डेप्ट हम लोग का कितना हो जाएगा, डेप्ट अकाउंट 240। फिर उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल कर देंगे, टोटल ऑफ डेबिट जो है वो हमारा 1200 हो जाएगा। 1200 में से 240 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड जो है वो हम लोग का आया 960। ठीक है, ये हम लोग का पहला काम हो गया। अब ये 960 नेक्स्ट हम लोग का ओपनिंग होगा 1 अप्रैल 8 का, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो गया दोस्तों, 960। फिर 31 मार्च 9, जैसे मैंने बोला क्या देखना है, इंटरेस्ट क्रेडिट ही देखना है, ये दो अमाउंट तो लिख दिए। अब नेक्स्ट वापस हमारा कितना है, 600, तो यहाँ पे कर देंगे टू गुजरात मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या लिमिटेड अकाउंट डाल दो, 600। ठीक है, टोटल कर देंगे 960 और 600 कितना हो जाएगा हमारा, 1560। और दूसरे साइड हम लोग करेंगे 31 मार्च 9 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर का कितना है, 216, तो यहाँ पे डाल देंगे 216। 31 मार्च 9 हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस CF। अब डेबिट का टोटल तो हमने कर ही दिया 1560, उसमें से 216 को माइनस कर देंगे तो बचा 1344। ठीक है, ये डाल दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट इसको ही हम लोग को क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी 1 अप्रैल हमारा 9 था तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो जाएगा, 1344। फिर 31 मार्च 10 टू गुजरात मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कितना आया था, उसके बाद नेक्स्ट हमारा वापस क्रेडिट टूवर्ड 600, तो यहाँ पे डाल देंगे 600। ठीक है, टोटल भी कर देंगे 1344 और 600, तो आएगा 1944।
दूसरे सेट 31 मार्च 10 का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्ट कितना आया हम लोग का लास्ट ईयर का 194, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 194 और 31 मार्च 10 को हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। हम लोग का क्या मिलेगा बैलेंस CF 1944 में से 194 माइनस कर दिए तो बचा 1750। इस तरीके से हमारा एक सबसे पहला अकाउंट यानी स्कूटर अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे गुजरात मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब गुजरात मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोस्तों आपको क्या देखना है, तो आपको एक पर्टिकुलर पूरी लाइन देखनी है। कैसे, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा ये आया ना, तो इसमें हम लोग का 780 180 और मिला के हमारा कितना हो रहा है 600। तो ये पर्टिकुलर लाइन गुजरात मैन्युफैक्चरिंग में लिख देनी है। अब उसको कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमारा कितना इंस्टॉलमेंट आया वो इंस्टॉलमेंट हम लोग को इस साइड डालते जाना है। 31 मार्च से शुरुआत हुआ है, 31 मार्च 8 लिखेंगे क्या टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना इंस्टॉलमेंट आया, पहला इंस्टॉलमेंट 780, तो 780 डाल दिया। ओके, अब दूसरे साइड हम लोग सेम डेट डालेंगे 31 मार्च 8। दो चीज़ आई, एक इंस्टॉलमेंट आया और एक इंटरेस्ट क्रेडिटेड आया है ना, तो यहाँ पे हम लोग को दोनों चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बाय इंटरेस्ट अकाउंट में डाल देती हूँ कितना इंटरेस्ट आया 180 आया और 31 मार्च 8 हम लोग ने यहाँ पे गुजरात लिखा ना, तो यहाँ पे उसके नीचे क्या लिखेंगे हमारा स्कूटर अकाउंट, यानी यही अकाउंट तो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ना लेजर में, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय स्कूटर अकाउंट। कितना हो जाएगा हम लोग का 600 और इसका टोटल हमारा कितना हो गया 780। बस हो गया एक पहला वाला लेजर कंप्लीट। अब उसके बाद वैसे ही हम लोग को बाकी 2 साल के भी निकालने। नेक्स्ट ईयर का हमारा था 31 मार्च 9 टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना आया हमारा 720 का, तो यहाँ पे हम कितना डाल देंगे 720 सबसे पहले डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग दोनों अमाउंट डाल देंगे 31 मार्च 9। सबसे पहले हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया सेकेंड ईयर का 120, फिर 31 मार्च 9 यहाँ पे मैक्स कौन सा अकाउंट था स्कूटर अकाउंट था, तो स्कूटर अकाउंट हम लोग कर देंगे कितना दिया उसको 600। तो यहाँ पे टोटल हमारा वापस टैली कितना हो जाएगा 720 और 720 हो गया। फिर उसके बाद वापस हम लोग को थर्ड साल का करना है, बहुत ही ईजी तरीका था ये हम लोग का। 31 मार्च 10 टू बैंक, थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोग का कितना है 660, तो 660 डाल दिया। यहाँ पे कर देंगे 31 मार्च 10 बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया लास्ट ईयर का हम लोग का 60, तो 60 डाल दिया। और 31 मार्च 10 इंस्टॉलमेंट यानी स्कूटर हम लोग का कितने का था 600, तो यहाँ पे 600 टोटल में हमारा कितना हो जाएगा 660 और 660। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक सा था, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने एक लाइन पूरी की पूरी हर रेट में उठाई है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बहुत ही सिंपल वे में सीख सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा अकाउंट कौन सा है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। ये तो सबसे ईजी अकाउंट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपने यहाँ पर देखा है यहाँ पर दो चीज़ आई थी ना, एक इंटरेस्ट आया था एक डेप्रिसिएशन आया था, दोनों को हम लोग को क्या करना है क्रॉस करना है। इंटरेस्ट हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, गुजरात मैन्युफैक्चरिंग से मिल रहा है, क्रेडिट में है तो उसको लिखेंगे कहाँ पे डेबिट में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 31 मार्च 8 बाय गुजरात मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, पहला इंटरेस्ट हम लोग का कितना आया था 180 का आया था, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 180। अब इंटरेस्ट जो है वो कहाँ पे जाता है, डायरेक्टली PNL में जाता है, तो 31 मार्च 8 पे हम लोग कर देंगे बाय PNL अकाउंट, कितना हो जाएगा 180 और ये टैली हो गया। ठीक है, टोटल आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद 31 मार्च 9 का काम करेंगे, वापस यहाँ पे लिखेंगे गुजरात मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। नेक्स्ट हमारा अमाउंट कितना था इंटरेस्ट का 120, 31 मार्च 9 बाय PNL अकाउंट। ये सब चीज़ हम लोग को PNL में ही डाल देनी है, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 120। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा डेट क्या था 31 मार्च 10 बाय गुजरात मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, कितना आया नेक्स्ट हम लोग का 60। 31 मार्च 10 बाय PNL अकाउंट कितना हो जाएगा हमारा 60, ये हम लोग का क्लोज हो गया। ओके, अब उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी बहुत ईजी है। डेप्रिसिएशन ये 3 साल का हमने निकाला, वही 3 साल का हम लोग को वहाँ पर डालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ये कौन से अकाउंट से आ रहा है डेप्रिसिएशन, स्कूटर से आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या नाम डालेंगे स्कूटर डाल देंगे। कौन से डेट से शुरुआत होगा 31 मार्च 8 टू
स्कूटर अकाउंट, सबसे पहला हम लोग का स्कूटर कितना था 250 का, वही हम लोग कहाँ पे पीएनएल में डाल देंगे, बाय पीएनएल कर देंगे, हम लोग का कितना हो जाएगा 240, ये हम लोग का क्लोज्ड हो गया। फिर वैसे हम लोग को 31 मार्च 9 का करना है टू स्कूटर अकाउंट। अब नेक्स्ट वाला डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम लोग का कितना था 216, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 216, 31 मार्च 9 बाय पीएनएल कर देंगे, हम लोग का कितना हो जाएगा 216। इसकी तरह से ये भी ख़त्म। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का था 31 मार्च 10, तो यहाँ पे कर देंगे टू स्कूटर अकाउंट। लास्ट वाली अमाउंट हम लोग की कितनी थी डेप्रिसिएशन की 194, तो यहाँ पे डाल देंगे 194, 31 मार्च 10 बाय पीएनएल कर देंगे, हम लोग का कितना हो जाएगा 194। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्या किया, सिर्फ अमाउंट को क्रॉस ट्रांसफ़र कर दिया है और सब अमाउंट हम लोग कहाँ पे डाल दे रहे हैं पीएनएल में। इस तरीके से दोस्तों हमारा पूरा सम जो है वो सॉल्व हो गया है। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।